हेलो दोस्तों, टेक नेटवर्क के नए वीडियो में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि दोस्तों आपके पास एक पुराना मोबाइल है और आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि नए मोबाइल में जितने भी वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक भी मिल जाता और यहाँ पर आपको फेस आईडी भी लॉक मिल जाता, लेकिन जिसके पास पुराना मोबाइल में वो क्या करे, उसके लिए आज आपके लिए कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने पुराने मोबाइल को भी अपना फिंगरप्रिंट लॉक यूज कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही बराबर का काम करता है, क्योंकि मेरे भी मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है और मैं इस एप्लीकेशन को लगभग बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इस एप्लीकेशन का आप कैसे यूज करेंगे और किस तरह से आप इसको सेट करेंगे। और ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही बराबर का काम करता है और आपके सिर्फ आपके उंगली से ही आपका मोबाइल खुलेगा, वरना आपकी ज़िंदगी में आपका मोबाइल कोई भी नहीं खोल सकता। और अगर आपका मोबाइल कहीं भी चोरी हो जाता है, कहीं भी खो जाता है, तो आपका मोबाइल कोई भी नहीं खोल सकता। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। तो चलिए दोस्तों हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं इस एप्लीकेशन को आप कैसे यूज करेंगे। दोस्तों इस एप्लीकेशन का जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन का नाम है क्या आप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट। तो चलिए आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। इनका काम देखने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लाल वाला बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको जो घंटी है उस घंटी को भी दबाना है और घंटी को दबाने के बाद दोस्तों यदि वीडियो पसंद आते हैं तो यहाँ पर एक लाइक कर देना है और नीचे आपको एक कमेंट कर देना है नाइस लॉक, इस तरह का आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना। जैसे मैं आप यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट सेटिंग बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे सबसे पहले जाना होगा, जाने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सबके छोड़कर यहाँ पर ऊपर आपको जाना, क्या करना होगा, रजिस्टर फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उंगली रखना है। जैसे आप उंगली रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कैन हो रहा है फिर प्रिंट। जैसे दोस्तों आप रजिस्टर फिंगरप्रिंट में जाओगे वहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट स्क्रीन लॉक, यहाँ पर जो आपका लाल वाला बटन देगा यहाँ पर आपको एनेबल कर देना है। एनेबल कर देने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक जो सेट हो जाता है। मैं आपको दिखा दूँ कैसे ये काम करता है, आपको ये लॉक कैसे काम करता है आपको मैं दिखा दूँ। चलिए मैं अपना मोबाइल को जो बंद कर देता हूँ। बंद कर देने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल में इस तरह का जो फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर अपना उंगली रखूँगा यहाँ पर जो ये फिंगरप्रिंट लॉक जो है सेट हो गया। तो आपको उस तरह का जो उंगली लग कर फिंगरप्रिंट को लॉक को सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो ओपन हो गया है। तो आपको एक बार जो अपना उंगली को रख कर अपना फिंगरप्रिंट को सेट कर लेना, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए और ये एप्लीकेशन यदि आपको पसंद आती है लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए आप चैनल को सब्सक्राइब करके या साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।